डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज है हमारा एपिसोड 220। तारीख है 27 फरवरी 2019। अगर अभी तक आप हमारे चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। ये जो वीडियो है रोज सुबह 4 बजे आपके लिए हमारे चैनल्स पर अपलोड हो जाता है। जो इंग्लिश मीडियम का देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट ssc.sijlpinnacle.com विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कल की क्विज पर। क्विज में आपसे क्या पूछा गया था कि हाल ही में एशियन हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर साल 2018 के लिए ये किसको मिला है, किसको सम्मानित किया गया है, तो उत्तर है इसको भारतीय खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह। दूसरा प्रश्न था कि किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल साल भर की के लिए आपातकाल जो है वो घोषित किया है, उत्तर है इसका सूडान। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए ईरानी बंदरगाह के माध्यम से भारत को निर्यात शुरू किया है। ऐसा करने वाला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने ईरान में जो पोर्ट बनाया है चाबहार पोर्ट, जो कि याद रखना भारत की मदद से ही बनाया गया था, यह भी मैंने अपने वीडियोस में आपके लिए कवर किया है, तो वहां से उन्होंने भारत के साथ निर्यात की शुरुआत की है। चारों तरफ जमीन से घिरा होने के कारण अफगानिस्तान जो है और काफी टाइम से वो युद्धग्रस्त देश भी रहा, इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वो विदेशी बाजारों तक पहुंचना चाहता है और हाल ही में 57 टन ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे टेक्सटाइल्स, कारपेट्स और काफी सारे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो इस बंदरगाह के माध्यम से भारत को भेज रहे हैं और ये भारत में मुंबई पहुंचेंगे। अब मैं आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगी, ये देखिए ये है अफगानिस्तान। पहले जब ये पोर्ट नहीं हुआ करता था तो इनको पाकिस्तान के रास्ते भेजना होता था, अब ये पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं और इस रास्ते से ये भेजेंगे। ये चाबहार पोर्ट है ईरान में और ये रहा मुंबई, ठीक है। तो अब मैं आपको जानकारी देती हूँ अफगानिस्तान के बारे में। यहाँ पर राजधानी काबुल है, काबुल सिर्फ राजधानी ही नहीं यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। प्रेसिडेंट है यहाँ पर अशरफ घानी। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है दारी और पाश्तो और करेंसी यहाँ पर अफगानी है। और हाल ही के वीडियोस में एक रिवीजन क्वेश्चन भी आपको करा देती हूँ, हाल ही के वीडियोस में कवर किया था कि अफगानिस्तान ने जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन का उनको सख्त लफ्जों में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वो वहां पर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये था हमारा प्रश्न एक। और ये चाहूंगी कि अभी पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस के जो काफी सारे कोर्सेज हैं उन पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। यहाँ पर हमारी काफी सारी जो योजनाएं हैं, 3 रुपए की योजना इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, उनके डिटेल्स दिए हुए हैं इस और एचसीएस कोर्सेज के लिए। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप इन दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने दूरस्थ क्षेत्रों के लिए नाव एम्बुलेंस शुरू की है? तो नाव एम्बुलेंस जो है वो शुरू की गई है ओडिशा में। ओडिशा में ये शुरू की गई है और हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। दूर सुदूर के जो क्षेत्र हैं वहां पर ये नाव एम्बुलेंस जो है अपनी सेवाएं देगी। दूर दराज के क्षेत्रों से रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाने में इसका काम आएगा और इसके लिए खर्चा कितना आएगा? खर्चा जो है वो 5 करोड़ 40 लाख रुपए जो इस पर खर्च होंगे और 108 ये नंबर है जो डायल करना है ताकि इस नाव एम्बुलेंस सेवा का फायदा उठाया जा सके। रिवीजन क्वेश्चन, दिल्ली में क्या शुरू हुआ था? दिल्ली में जो है मोटरसाइकिल पर एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी ताकि जितनी भी दिल्ली के वो पतली गलियों वाले एरियाज हैं उनको कवर किया जा सके। तो बाइक एम्बुलेंस दिल्ली में शुरू हुई थी और अब ये नाव एम्बुलेंस जो है ये शुरू हुई है ओडिशा में। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये है बोट एम्बुलेंस और यहां पर अगर आप देखें तो ये है ओडिशा, ठीक है, ये हमारा राज्य है ओडिशा। ये जानकारी मैं काफी बार दे चुकी हूँ। आज मैं यहाँ के आपको 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स बताती हूँ, भित्रकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो ओडिशा में है। आगे देखिए,
कोबरा गोल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये कौन से देश में आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो है ये आयोजित किया गया है थाईलैंड में। थाईलैंड में इसको आयोजित किया गया है, और थाईलैंड और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उन्होंने दोनों ने मिलकर इसकी ज्वाइंटली मेजबानी की है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है साल 1982 में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद से प्रतिवर्ष हर साल ये थाईलैंड में ही आयोजित कराया जाता है। इसमें काफी सारे देश भाग लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 29 कंट्रीज। ओके, 29 कंट्रीज इसमें भाग लेती हैं। और साल 2016 में चीन के साथ भारत जो है पहली बार, उसने ऑब्जर्वर प्लस कैटेगरी में भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर क्या है? आंसर यहां पर थाईलैंड है। अब अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं कि थाईलैंड कहां पर लोकेटेड है, ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारा भारत है। भारत के अगर आप ईस्ट में देखते हैं, भारत के अगर आप पूर्व में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक कंट्री नजर आएगा, थाईलैंड। यहाँ कैपिटल और सबसे बड़ा शहर क्या है? बैंकॉक है। ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। अधिकतर लोग यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ पर जो मोनार्क है उनका नाम है महा विजयरलगोम, और जो प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चन ओचा, और यहाँ पर करेंसी जो है बहुत ही यूनिक, उसका नाम है वो है भाट, BAHT, ये यहाँ पर करेंसी है। अगला प्रश्न, तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये हमारा प्रश्न 4 है। उत्तर इसका जो है वो है बृजभूषण शरण। बृजभूषण शरण जो है ये तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उत्तर इसका ए है, और ये तस्वीर है इनकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत के जाने माने कुश्ती लड़ने वाले खिलाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भविष्य में खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए सभी भारतीय अनुप्रयोगों को निलंबित कर दिया है? ये हमारा प्रश्न 5 है। ऑप्शंस देखिए, आपके ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व पैरा एथलेटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, या इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। उत्तर इसका जो है वो है IOC, यानी कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। आंसर यहाँ पर IOC है। ओके, IOC है, उसने काफी कड़ा रुख अपनाया है। क्यों अपनाया है वो सारा मैं आपको बताती हूँ। ओके, हाल ही में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिल्ली में जो आयोजित किया गया शूटिंग विश्व कप, उसके लिए भारत ने वीजा नहीं दिया। और वीजा क्यों नहीं दिया? क्योंकि भारत में वो जो पुलवामा हमला हुआ, उसमें हमारे काफी सारे सैनिक मारे गए, तो उसके बाद भारत ने जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको वीजा नहीं दिया। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसने भारत में आगामी खेल आयोजनों पर बातचीत रोकने का फैसला किया है, और उन्होंने क्लियरली भारत से ये गारंटी मांगी है कि जब तक वह ओलंपिक की जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर लेती है, तब तक यहां पर कोई खेल आयोजन नहीं होगा। ओलंपिक कमेटी का यह कहना है कि प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आ रहे खिलाड़ियों को वीजा न देना ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करना है। प्रश्न 5 के लिए यह हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत जो है वो चाह रहा था कि 2032 के जो ओलंपिक खेल है वो भारत में आयोजित करवाए जाए। यह हमारा प्रश्न 5 है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक रिवीजन क्वेश्चन करवाना चाहूंगी जो मैंने पहले अपने वीडियोस में कराया था। 2019 के जो वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है वो होने वाली थी मलेशिया में, लेकिन मलेशिया भी जो है उसने इजराइल के खिलाड़ियों को वीजा देने से मना कर दिया था। तो उसके बाद भी कार्रवाई करते हुए मलेशिया से ये जो मेजबानी है ये वापस ले ली गई थी। ये मैंने अपने वीडियोज में आपके साथ कवर कराया था। तो ये था हमारा प्रश्न 5। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हम आ गए हैं प्रश्न 6 पर। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी युवाओं को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्न 6 के लिए हमारा उत्तर क्या है? प्रश्न 6 के लिए उत्तर जो है वो है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। आंसर जो है यहां पर बी है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। और इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जो शहरी युवा हैं, उनको साल में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आ जाते हैं हम प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 देखिए,
यहाँ पे पूछा गया है ISSF विश्व कप में निम्नलिखित में से किस भारतीय निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड स्कोर किया है 245 के साथ, इतने अंकों के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी केवल 16 वर्ष के हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं। उत्तर हमारा बी है। भारतीय शूटर सौरभ चौधरी ने ये जो ISSF वर्ल्ड कप हो रहा है दिल्ली में, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने पुरुष कौन से इवेंट में जीता ये पूछा जा सकता है, तो पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा होती है उसमें उन्होंने जीता है। सौरभ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 245 अंक हासिल किए हैं और यूक्रेन के जो खिलाड़ी हैं इनसे पहले उनके 243.5 ये अंक थे, तो उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। अब इस तरह से वो स्वर्ण पदक के साथ 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स होंगे उसमें उन्होंने कोटा भी हासिल किया है और ये कोटा पाने वाले भारत की ओर से तीसरे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले किस किस ने, इनसे पहले अपूर्वी चंदेला ने और अंजुम जो है उन्होंने ओलंपिक कोटा जो है वो हासिल किया। प्रश्न 7, ये तस्वीर है सौरभ चौधरी की। अगला प्रश्न, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र श्रेणी में किस भारतीय लघु फिल्म ने 2019 के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? उस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है हमारा? आंसर हमारा यहाँ पर डी है। भारत में मासिक धर्म से जुड़ी जो बहुत सारी धारणाएं हैं उन पर आधारित ये फिल्म बनी है जिसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। इसको जो 91st अकेडमी पुरस्कार समारोह हुआ उसमें डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार हासिल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर जो है वो डी है। यहाँ पर आप इससे संबंधित एक तस्वीर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? ये हमारा प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 के लिए हमारा उत्तर जो है, ये उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में वीर शहीदों की याद में दिल्ली का जो इंडिया गेट है उसके नज़दीक तैयार किया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल और इसका उद्घाटन हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और उन्होंने इसको देश को समर्पित किया। ये जो वॉर मेमोरियल है इसमें करीबन 23,000 जवानों के प्रति ये उनको सम्मान देता है जिन्होंने आजादी के बाद अनेकों लड़ाइयों में भारत की रक्षा की है और अपने प्राणों की आहुति दी है। 40 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसके ऊपर इसको बनाने में 176 करोड़ रुपए की लागत आई है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर हमारा नई दिल्ली है। ये थी जानकारी प्रश्न 9 के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वॉर मेमोरियल। हाल ही में GST काउंसिल ने निर्माणाधीन आवासीय मकानों पर कर में कटौती की है जो मौजूदा 12% से कितना हो गया है? ये हमारा प्रश्न है। मौजूदा जो था वो 12% था, अब इसको घटाकर कहाँ ले आए हैं, इसको घटाकर ले आए हैं 5% पर, तो आंसर यहाँ पर हमारा 5% है। GST परिषद ने निर्माणाधीन आवास संपत्तियों पर जो कर है उसको 12% से घटाकर 5% कर दिया है। ये जो नई दरें हैं ये 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न। अब आपको मैं ले चलती हूं समरी कीवर्ड्स पर। यहां देखिए, जो ईरानियन पोर्ट है चाबहार, वहां से अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेड करेगा। एम्बुलेंस सर्विस ओडिशा में शुरू हुई। कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज थाईलैंड में हुई। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो बने ब्रिज भूषण शरण। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने भारत के खिलाफ जो है कड़ा रुख अपनाया है। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना स्टार्ट हुई मध्य प्रदेश में। ISSF वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। 2019 का जो ऑस्कर अवार्ड है डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में वो मिला पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को। नेशनल वॉर मेमोरियल ये नई दिल्ली में सेटअप हुआ और जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल ने जो निर्माणाधीन घर है उस पर जो पहले 12% था अब उसको घटाकर उन्होंने 5% कर दिया है। जो जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन आवासीय मकान थे उस पर करों में कटौती की जो 12% से 5% हो गई। तो ये थे हमारे समरी कीवर्ड्स और अब मैं आपको कराती हूं क्विज फॉर द डे। क्विज फॉर द डे में 2 प्रश्न पूछ रही हूं। हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने किस शहर में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया?
दूसरा है, तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, वीडियो को आप शेयर जरूर करें जहां भी आपसे संभव हो सके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।